डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू मेक लाइन ग्राफ्स थ्रू एस पी एस एस सॉफ्टवेयर आइए देखते हैं कि हम वो कैसे बनाते हैं एस पी एस एस सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स uh, uh, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो लाइन ग्राफ होता है ये कंटिन्यूस uh, जो है वेरिएबल्स uh, के लिए बनता है तो हम पहले सिंपल लाइन एक बनाते हैं, जो कि हम किसी भी एक कंपोजिट वेरिएबल के लिए ले सकते हैं जैसे मैं अब यहाँ पे फेसबुक इंटेंसिटी के लिए एक लाइन बनाना चाह रहा हूँ कैटेगरी एक्सेस में उसको रखा और ओके okay किया तो ये आपके पास जो है एक फेसबुक इंटेंसिटी स्केल के स्कोर के ऊपर एक लाइन बन गई तो ये बता रही है कि ई स्कोर पर फ्रिक्वेंसी क्या है अब ये लाइन आप ट्रांसपो जो है वर्टिकली भी बना सकते हैं और इस पर आप जो है इसके डाटा पॉइंट्स भी शो कर सकते हैं एग्जैक्ट डाटा पॉइंट्स क्या हैं और इस पर आप जो है ये फ्रीक्वेंसी भी दिखा सकते हैं कि एग्ज़ैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है ईच डाटा पॉइंट पे और इसके साथ आप ये मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं मगर इन एट योर लेवल आई डू नॉट एडवाइज यू टू यूज़ दिस तो हम इसको दोबारा बनाते हैं। तो ये आपके पास सिंपल दोबारा से ये बन के आ गया तो ये तो एक सिंपल लाइन थी तो अब हम इसका मल्टीपल ग्राफ देखते इसमें आप जो है स्कोर्स को देखते हैं हम पॉलिटिकल ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के स्कोर को हम देखते हैं जेंडर की बेसिस पे और उसकी अब फ्रीक्वेंसी की बजाय हम परसेंटेज देख लेते हैं तो ये हमारे पास पर्पल लाइन इज शोइंग फीमेल एंड ग्रीन लाइन इज शोइंग मेल तो कोई एक विजिबल क्लियर पैटर्न नज़र नहीं आ रहा पोलिटिकल पार्टिसिपेशन में कि जो है कोई डिस्टिंगटिव डिफरेंस हो अब हम किसी और वेरिएबल के साथ इसको देखते हैं अब हम दोबारा मल्टीपल लाइन्स पर देखते हैं तो अब हम जो है इसमें फेसबुक रिलेशनशिप मेंटेनेंस को जेंडर के साथ आ, देखते हैं कि क्या जेंडर की बेसिस पे कोई स्कोर्स में डिफरेंस आता है तो लाइंस हमें ये बताएंगी तो यहाँ पर आप देखें कि फेसबुक रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर का स्कोर है और ये दो डिफरेंट लाइंस हमारे पास बन गई हैं पर्पल और ग्रीन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर फीमेल एंड मेल तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर की ट्रेंड है वो बोथ जेंडर्स के कोई ख़ास इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है जेंडर बेसिस पे इस फेसबुक रिलेशन मेंटेनेंस बिहेवियर के स्कोर में तो लाइन ग्राफ यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है इसकी बेसिस पे कोई फ़र्दर इन्वेस्टिगेशंस देख सकते हैं आपको एक अंदाज़ा हो सकता है यानी कि अगर अब हम इसका ज़... अगर जाकर जब इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट लगाएंगे तो उसमें हमें ये आ, नजर नहीं आएगा कोई मीन डिफरेंस इट्स माय एस्टिमेशन मगर फर्दर जो हम इसका जब टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट करेंगे तो हमें उसका में एक्जैक्टली exactly पता चलेगा कि ये स्टेटिस्टिकली मीन डिफरेंस इसमें है या के नहीं है